sparirò solo una monster. सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। आज मैं जा रहा हूँ अपनी मील पर, और यार हुआ कुछ ऐसा ना कि मेरे मील पर 3-4 गाय पलती हैं, तो वो ग्राउंड में घास खा रही थी, तो पास की एक गाय ने आकर उसको ऊपर अटैक कर दिया, एक गाय के ऊपर, जिसमें उसका सिंग टूट गया। बस कॉल आया तो उसने बताया, चौकीदार ने जो वहाँ पर उसकी मतलब देखभाल करता है गाय की, तो बोला यार एक पास में गाय है, उसने अटैक कर दिया और जिस कारण उसका एक सिंग टूट गया है, डैमेज हो गया पूरी तरह से, उसमें बहुत सारा ब्लड आ रहा था। जब मैं गया वहाँ पर दवाई लेकर, एक बीटाडीन स्प्रे आता है गाय के लिए, मतलब एनिमल्स के लिए, जो उसकी मतलब घाव पर लगाया जाता है जहाँ पर मतलब चोट लग जाती है, तो मैं गया, मैंने वहाँ पर लगाया। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, मैंने चेक करा कि काफ़ी मतलब सुधार नहीं आ रहा उसमें। तो जब मैंने देखा कि इसमें स्मेल भी आ रही है, जब स्मेल आ रही तो मैंने उसका मतलब पट्टी हटाकर जब देखी तो उसमें सूढ़ी दिख रही थी घाव के अंदर। मेरे से देखा नहीं गया, बट मैं कोशिश करी, क्योंकि यार एनिमल्स हैं, यार जानवर हैं, वो बोल तो सकते नहीं है यार, उनका दर्द हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। तो मैंने देखा यार कि इसके दर्द हो रहा है इतना ज़्यादा, तो मैं डॉक्टर को बुलाऊँ, मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने उसके मतलब सूढ़ी निकाली, जो इतनी लंबी सूढ़ी पड़ गई थी वो निकाली, उसको सींग को मतलब उसके मैं पट्टी करी और बताया कि एक का वेट करो आप, नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं, अगर सही नहीं होता तो उसका सिंग काटना पड़ेगा, वो भी जिससे अपने लोग लोहिया काटते हैं उस वाले ब्लेड से। तो यार वो आया, उसने काटा उससे ब्लेड से, और काटने के बाद 10 से 12 दिन उसने मतलब अपने आप से पट्टी करी, फिर बोला आपको एक दिन छोड़ के इसके मतलब पट्टी करनी है अपने आप से। मैंने कि मैं कैसे कर पाऊंगा यार, मेरे को देखकर मतलब ना खून देखकर या घाव देखकर किसी का जख्म देखकर मेरी रूह कांप जाती है। फिर बोला लेकिन आपको कोशिश करके, मैं तो देखो बोला कि मैं तो डेली नहीं आ सकता हूं, लेकिन आपको करना पड़ेगा ये खुद अपने आप से। चलो मैंने कहा चलो मैं करूंगा, यार जानवर है यार, कौन करेगा, जब अपने लोग ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैंने कहा चलो मैं करूंगा, तो मैं आज उसके पट्टी करने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग भी दिखाऊंगा कैसा घाव है, कैसा जगह में पूरा सीन काटा गया उसका, और मैं अपनी मील पे भी दिखाऊंगा, अपनी प्यारी प्यारी कुछ प्यारी प्यारी कुछ गाय हैं उनको भी दिखाऊंगा। एक छोटी सी है अभी जल्दी में आई है मील पर, मैंने एक मिनी शॉर्ट्स भी डाला था अपने यूट्यूब पर, जब उसका मतलब जब वो उसने जन्म लिया था तब का। सो चलते हैं फिर, देर किस बात की। सो गाइस चलते हैं अभी मील के लिए, और मील पर चल के आपसे बात करते हैं फिर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मील पर, और फिर बताते हैं क्या यहाँ पर क्या। तो अभी मैं आ चुका हूँ मील पर, और देख सकते हैं टीडू आया है। टीडू का एक छोटा सा वीडियो है वो कंप्लीट कराना है, क्रिकेट का कुछ शॉर्ट्स है ना यार, इसने वीडियो शूट करी, उसमें बोया कि माइक का एक कैमरा सेटिंग होती है, एक फोन सेटिंग इसने कैमरे पे लगा के रखा था, उसके वो वीडियो की वॉइस रिकॉर्ड हुई नहीं फिर, तो वो भी इसे अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा फिर से। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मील पर, और आप लोग पीछे देखो काम चल रहा है मील में, अभी देखो जो मशीनें रखी हैं लग रही हैं, अंदर काम चल रहा है, देख मशीनें लग रही हैं सारी, के भी किसी ने चोट मारी है, चोट मारती है ये बहुत प्यारी है, उसकी इतनी कर दूंगा हरकतें मेरे को मारने लगेगी भी वो, देख इसके पास जाता हूँ मैं तो पता है गाइस ये मारने लगती है जरा सी देर में, खा रही है अभी। तो करना ऐसा है ना कुछ, अभी पहले जल्दी से पट्टी बांध दे, फिर इसकी वीडियो भी कंप्लीट करानी है, और मैं भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलूंगा बहुत टाइम बाद, वैसे मैं खेलता नहीं हूँ, मुझे अच्छा ही लगता है क्रिकेट खेलना, ना पसंद है मेरे को बिल्कुल। चलो तब भी खेल के देखेंगे एक बार, उसका नया बैट आया उससे खेलेंगे जरूर। भाई साहब मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ इसकी सफाई करने के लिए, मैं रुई से सफाई करता हूँ ना, उसकी बहाव में रुई चिपक जाती है बहुत गंदी तरह से, देख कैसा हुआ जी, पहले से काफी अच्छा है ना, ये सब टूट गया था, ये सब फट गया था जी सब, तो करते हैं फिर पट्टी।
तो आप लोग देख सकते हो पहले से इसकी जख्म काफी अच्छी है और बहुत ज्यादा पस निकला है, वो मैं पस सफा कर देता हूँ उसका, और उसके बाद देखिए आगे मैं कैसे करके पट्टी करता हूँ। सो गाइस अभी मैं ट्यूब लगा रहा हूँ, जो एक एनिमल्स का होता है जो उनके घाव पे जख्म पर लगाया जाता है, वो वाला ट्यूब है ये। मैंने इसे थोड़ा पट्टी पर लगा दिया जिससे मतलब अच्छे से लग जाए इसके। फिर मैं इसकी मतलब थोड़ा ट्यूब अपने हाथ से मतलब मैंने सॉरी ग्लव्स नहीं पहने, इन्फेक्शन होने का इसमें वो रहता है, बट मैं लाना भूल गया था लेकिन मुझे लगाना था इसलिए मैंने अपने हाथ से लगा दिया बिना ग्लव्स पहने। तो नेक्स्ट टाइम मैं ग्लव्स पहन के ही लगाऊंगा इसके। तो अभी मैंने अच्छे से ट्यूब लगा दिया इसके, और फिर अब मैं इसके वो जो मैंने पट्टी के ऊपर ट्यूब लगाया था वो मैं इसके ऊपर अच्छे से घाव के ऊपर लगा दूंगा। अब मैं अच्छे से इसके पहले पट्टी बांधूंगा, पिछली बार मैंने जब पट्टी बांधी थी तो वो खुल गई थी, अब की जो मैं बांध रहा हूँ मैं अच्छे से बांधूंगा और टाइट करके थोड़ी बांधूंगा जिससे इसकी खुले ना, क्योंकि एक दिन छोड़ के इसकी पट्टी करना पड़ती है। तो बस पट्टी कंप्लीट हो गई है, तो देख लिया। सो फाइनली गाइस हम लोगों ने गाय के पट्टी कर दी है, और बस अब करना क्या है, थोड़ा गाय के साथ खेलना है, उनके साथ थोड़ा मस्ती करना है, और फिर चौकीदार हमारा दूध दू के देगा। मेरे को दूना आता नहीं है ना, मैंने एक बार मैंने ट्राई भी किया था बट गाय ने लात मार दी, तब से मैं डर लगने लगा, तब से मैंने दुआ नहीं। और बस इतना ही आज के ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ब्लॉग को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ यार बन के कम्प्लीट करा दो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, जाकर मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यार इसलिए मैं एडिट कर रहा हूँ पीसी में, कि क्वालिटी अच्छे से अच्छी मिले आप लोगों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मिले आप लोगों के लिए ब्लॉग, और मतलब समझ में आया यार ब्लॉग का मतलब ही क्या है, जो चीज़ समझ में नहीं आया वो बेकार है। फिर मैंने कुछ मतलब ब्लॉगर्स देखे हैं जिनकी मतलब क्वालिटी कंटेंट कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बना रहे हैं, डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उनके पे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बट मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मेरे पे कुछ नहीं आता। तो यार प्लीज़ यार थोड़ा बहुत मेरे लिए भी प्यार दिखाओ, आप लोग कैसे हो यार, तुम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे बनके सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ प्लीज़।